Good morning, students. I hope you all will well in this lockdown period. So, this video is for class 6 and it is second part of your chapter 1. Clear? Last video में हम लोग backbone तक देख लिए थे. Backbone तक का सारा चीज था. इस वीडियो में आई थिंक हम लोग रिब्स देख लेंगे, लिम्स देख लेंगे, ज्वाइंट्स देख लेंगे, ज्वाइंट के सारे पार्ट्स देख लेंगे और ज्वाइंट्स तक इस वीडियो को हम लोग रखेंगे. ठीक है, चलिए. तो पहला जो हमारा रिब्स का जो टॉपिक है जो छूट रहा था, यहां से हम लोग आज स्टार्टअप ले रहा था. व्हाट इज रिब्स? रिब्स सबसे पहली बात है, जब हड्डी की बात हम लोग करते हैं, बोन्स की बात हम लोग करते हैं, तो बोन्स में हम बताए थे कि ये हमारे इंटरनल ऑर्गेन को प्रोटेक्ट करती है. बोन्स का काम क्या है? इंटरनल ऑर्गेन को प्रोटेक्ट करना. तो सबसे जो डेडिकेटेड ऑर्गेन है हमारे पास वो है हार्ट और लंग्स. हार्ट तो सबसे ज्यादा डेडिकेटेड क्योंकि बिकॉज ये हमारे लाइफ के लिए पूरी तरह से इसी के ऊपर डिपेंड है. तो रिब जो होते हैं वो 24 बोन्स के सेट को रिब्स कहा जाता है, जो कि फ्लैट क्लॉथ और थिन बोन्स में मिलते हैं. और इसको हम लोग छाती की हड्डी भी कहते हैं. मींस कि अ बोन बिलोंग्स टू अवर हार्ट साइज, बिलो द जस्ट बिलो द नेक. ये रिब केज बनाता है, यानी कि 24 नंबर ऑफ रिब्स मिल करके रिब केज बनाते हैं. और इस रिब केज का काम होता है हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करना. साथ ही साथ ये दो पेयर में बटा होता है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, और दोनों तरफ 12 रिब्स होते हैं. इट मींस कि 12 बोन्स होते हैं, यानी लेफ्ट साइड भी 12 बोन्स और राइट साइड भी 12 बोन्स. सामने से जो बोन्स, रिब केज के सामने से बोन्स जो होते हैं उसको हम लोग स्टर्नम कहते हैं, और पीछे से जो बोन होते हैं उसे हम लोग ब्रिस्ट बोन कहते हैं. इज इट क्लियर? फ्रंट साइड बोन इन रिब, रिब केज कॉल्ड स्टर्नम एंड बैक साइड कॉल्ड ब्रिस्ट बोन. नाउ लास्ट के जो दो पेयर होते हैं जो बैकबोन से रिब जुड़े हुए होते हैं उन्हें हम लोग फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं. क्या कहते हैं उन्हें हम लोग? फ्लोटिंग रिब्स. अब देखो, सांस लेना और छोड़ना, अगर आप घर में चाहो इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आप सांस को अंदर ले सकते हो और सांस को बाहर छोड़ो. डायफ्राम का मूवमेंट जो होता है उसको हम लोग आगे बात करेंगे. अब हमारे पास आ गया लिम्स. लिम्स दो होते हैं, फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स. फोर लिम्स आर्म साइड से बिलोंग करते हैं और हिंड लिम्स जो है वो लेग साइड से बिलोंग करते हैं. देख बेटा, बुक है, फिगर आपको आज पीडीएफ में हम डाल के भेजेंगे, उस फिगर में डिफ्रेंशिएट करेंगे. अब जो फोर लिम्स के ऊपर साइड का होता है, जो सिंगल लॉन्ग बोन से बने हुए होते हैं, उसे हम लोग ह्यूमरस कहते हैं. और जो वर्टिब्रल कॉलम से बिलोंग किया हुआ रहता है उसे हम लोग पेक्टोरल ग्रिडल कहते हैं. अगर आपको जो फिगर जाएगा, फिगर 1.7 में ये सारा चीज फिगर में एक्सप्लेनेबल है. नेक्स्ट वन इज जो हमारा पेक्टोरल ग्रिडल है उसे हम लोग शोल्डर बोन भी कहते हैं, कंधे की हड्डी भी हम लोग कहते हैं. लोअर पार्ट दो लॉन्ग बोन से बना होता है जिसको हम लोग रेडियस और शोल्डर कहते हैं. रेडियस या मैथ वाला रेडियस नहीं है, रेडियस बोन वाला. हिंड लिम्स के, ये तो फोर लिम्स हो गया, हिंड लिम्स के अपर पार्ट का जो बोन बना होता है उसको हम लोग फेमोर कहते हैं, और ये थाई बोन भी कहलाता है. फेमोर सबसे लॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी में. पिना सबसे स्मॉलेस्ट होता है, जो कान के पास होता है. और फेमोर जो है वो पेल्विक ग्रिडल से ज्वाइंट होता है. पेल्विक ग्रिडल जो वेस्ट पर होते हैं. लोअर पार्ट ऑफ हिंड लिम्स जो होते हैं वो दो बोन से बने हुए होते हैं, एक को टीबिया कहते हैं, सेकंड वन इज फेबुला. फर्स्ट वन इज टीबिया एंड सेकंड वन इज फेबुला. और हिंड लिम्स जो पेल्विक ज्वाइंट से सपोर्ट होते हैं या हिप बोन से सपोर्ट होते हैं वो नीचे से बैकबोन के पास अटैच होते हैं, और वो बोन्स मिल करके हिंड लिम्स को स्ट्रांग बनाता है और बॉडी का वेट में सपोर्ट करता है. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आएगा वो आएगा ज्वाइंट. ओके फाइन, तो हम लोग ज्वाइंट्स देखते हैं. ठीक है, तो
तो ज्वाइंट क्या है, किसी भी तरह के बॉडी पार्ट के मूवमेंट के लिए आपको ज्वाइंट्स की जरूरत पड़ती है। सपोज अगर हम एंकल मूव करते हैं तो यहाँ पे ज्वाइंट्स की जरूरत है। एक हड्डी जो हमसे जुड़ा हुआ है वो आपस में ज्वाइंट एक जगह पे नहीं कर सकता है, जहां पे दो हड्डी मिल रहे हैं वहीं पे ज्वाइंट्स होंगे। ज्वाइंट्स दो तरह के होते हैं, एक मूवेबल एक इनमूवेबल। जो मूव कर सकता है, जैसे ये है गर्दन, हम चार तरफ मूव नहीं करा सकते, ज्वाइंट्स तो है पर चार तरफ मूव नहीं करा सकते। एंकल यहां सिर्फ अगर देखें तो 180 डिग्री तक मूव करा सकते हैं, 270 तक इसको या 360 तक लाने के लिए हमको पॉसिबल नहीं है, टूट जाएगा। ये एक हड्डी है तो इसके बीच में कोई मूवमेंट नहीं होगा। अब ज्वाइंट एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे दो बोन्स आकर के मिलते हैं, उस जगह को हम ज्वाइंट कहते हैं। और जहां पे दोनों बोन्स आपस में आकर के मिलते हैं, जो स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक बैंड होता है जो उसको मूव कराता है, वो लिगामेंट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? लिगामेंट कहलाता है। और द पार्ट ऑफ बोन जो कि एक ज्वाइंट से दूसरे बोन को कवर करता है, वो कार्टिलेज कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्टिलेज कहलाता है। कार्टिलेज एक ऐसा टिश्यू है जो बोन्स को आपस में रब होने से रोकता है। हम लोग बहुत तरह की बीमारी को देखते हैं कि दो हड्डी आपस में जब टकराया या मूव हुआ या ये बीमारी दर्द होने लगा, तो कार्टिलेज उसको रोकने का काम करता है। अब इमोवेबल और फिक्स ज्वाइंट जो होते हैं वो मूवमेंट नहीं करते हैं, और ये जैसे स्कल, ये कोई मूवमेंट यहां का हड्डी नहीं करता है। स्लाइटली अगर मूवेबल ज्वाइंट्स की बात करें तो वो ब्लेंडिंग और रोटेशन का काम करते हैं, और फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स जो है वो ऑल डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ज्वाइंट्स को चार भाग में बांटा गया है, चार डिफरेंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, पिवोट ज्वाइंट एंड ग्लिडिंग ज्वाइंट्स। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट उस ज्वाइंट को कहते हैं जो राउंड बॉल की तरह फिट होता है कप लाइक स्ट्रक्चर में, और वो ऑल डायरेक्शन मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड साइड टू साइड मूव करने के लिए फिट होता है। साथ ही साथ ये हाथ को हम चारों तरफ मूव कर सकते हैं ना, दिस इज एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट हिंज ज्वाइंट। अगर आप देखिएगा तो हिंज ज्वाइंट सिर्फ बॉडी को बैक एंड फोर्थ, दरवाजा है ना, चारों तरफ दरवाजा घूमता है नहीं घूमता है, वो आगे और पीछे जाने का सिर्फ काम करता है, तो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट के लिए होता है। नी हो गया, एल्बो का मूवमेंट हो गया, तो ये सारे किसके एग्जांपल हो गए? हिंज ज्वाइंट के एग्जांपल हो गए। अब है पिवोट ज्वाइंट, जैसे गर्दन नेक है हमारा, तो ये नेक जो है उसको हम लोग कितने दूर तक मूव करा सकते हैं, नेक को रोटेट कितना तक कर सकते हैं। अगर रोटेट करेंगे तो हम चारों तरफ कर रहे हैं, मूवमेंट जो है वो भी चारों तरफ कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से अब अगर हम आगे वाला चेहरा पीछे कर ले तो फिर लोग हमें भूत ही समझेंगे। इस तरह के ज्वाइंट्स को हम लोग पिवोट ज्वाइंट कहते हैं। ग्लिडिंग ज्वाइंट्स एंकल और रिस्ट में होता है, ये लिमिटेड मूवमेंट करते हैं, सिर्फ लिमिटेड फिक्सेट में जो मूवमेंट करता है उसे कॉल करते हैं। दिस ऑल फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आपके चैप्टर का द एंड करेंगे, चैप्टर फर्स्ट का। इसमें आई थिंक कि कुछ मूवमेंट्स बच रहे हैं अलग अलग बोन्स के, अलग अलग एनिमल्स के। दिस ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स होमवर्क आपको बनाने, होमवर्क आज आपको मिलेगा, यू विल हैव टू सॉल्व।